हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएसके स्टडी सेंटर। तो आज हम करेंगे केवीएस पीआरटी के लिए हिंदी जो है फोर्थ क्लास की। इससे पहले मैंने थर्ड क्लास की डाल दी है, आप उसे देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन। मन के भोले भाले बादल, इसमें क्या है ना, जो बादल हैं उनकी कहानी बताई है कि बादल जो है वो कैसे झबर झबर होते हैं, मतलब कैसे आते हैं, है ना। हाथी से सूंड हिलाए, उन कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, है ना। आपस में टकराते रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। मतलब बादलों की कहानी है कि बादल जो है वो कैसे गड़गड़ाते हैं, है ना। उनकी सारी कहानी है, वो जब गड़गड़ाते हैं तो ऐसे लगते हैं कि ढोल बजा रहे हों, तो उनकी सारी कहानी जो है वो इसमें बताई गई है। और ये जो है वो आपके कल्पनाथ सिंह ने लिखा है, ठीक है। यह है आपका सेकेंड लेसन और ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा है लेसन। जैसे सवाल ऐसा जवाब, इसमें जो है वो बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी है और इसके साथ जो एक उनके दरबार में ख्वाजा सारा रहते थे उनकी कहानी है। एक्चुअली क्या था ना कि सब जानते हैं कि जो अकबर बादशाह थे वो बीरबल को बहुत बुद्धिमान मानते थे, और एक्चुअली में वो बुद्धिमान थे भी, लेकिन उसके जो अदर दरबारी थे ना वो बहुत जलते थे कि राजा जो है वो बीरबल से इतना प्यार करते हैं। तो क्या हुआ ना कि जो ख्वाजा सारा थे, उन्होंने एक बार राजा को कहा कि हम जो है वो इसकी परीक्षा लेते हैं कि बीरबल जो है वो इंटेलिजेंट है या नहीं। तो वो क्या करता है कि तीन सवाल जो है वो राजा को लिख के दे देता है और बोलता है कि आप जो है वो इन सवालों को उससे पूछना। तो वो राजा वैसे ही करता है। तो राजा जो है वो सबसे पहला सवाल जो है वो बीरबल से पूछता है कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल आंसर बोलता है कि जहाँ हम खड़े हैं ये संसार का केंद्र है, क्योंकि इससे चारों तरफ हम देख सकते हैं, अगर ख्वाजा जी को लगे तो वो जो है इसको माप सकते हैं। फिर जो है वो दूसरा सवाल पूछता है, फिर वो कहते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। तो बीरबल बोलते हैं कि एक भेड़ ले आओ और जितने भेड़ के शरीर में बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं, मतलब अनकाउंटेबल है। तो फिर अगर मेरा सवाल सही ना लगे तो ख्वाजा जी इसको काउंट कर लें, तो वो तो इम्पॉसिबल था। फिर जो है वो तीसरा सवाल और पूछते हैं, तो तीसरा सवाल जो होता है ना उनका, वो होता है कि संसार की आबादी कितनी है। तो वो बोलते हैं कि जहाँ पर ना संसार की आबादी तो पल भर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि मृत्यु हो रही है, कोई जन्म ले रहा है। फिर वो बोलते हैं अगर सारी दुनिया के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और फिर उनको काउंट कर दिया जाए तो उनकी जनसंख्या बता दी जा सकती है। तो यही बात जो है वो करते हैं। फिर ख्वाजा जी बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे गोलमोल आंसर दे रहा है तो ये तो सही नहीं है। लेकिन बीरबल जो अकबर है वो तो समझ आते हैं और वो जो है वो बोलते हैं कि इन ये जो मतलब उल्टे फुलटे सवाल हैं, इनके उल्टे फुलटे ही जवाब होंगे। देखो नेक्स्ट लेसन है किरमिच की गेंद। ये एक गर्मियों की कहानी है, जो उनके आसपास की कहानी है। बच्चों को छुट्टियां पड़ी होती हैं गर्मियों की, तो दिनेश नाम का लड़का घर में बैठा होता है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअली वो पहचान जाता है कि वो आवाज़ जो है वो किरमिच की गेंद, मतलब जो गेंद है उसकी है। तो वो जाता है और वहाँ पर उसे वो गेंद मिल जाती है। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं किसी से पूछ लूँगा कि ये गेंद किसकी है। तो वो जो है वो पूछने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि वो गेंद किसकी है। लेकिन उसके जो अदर दोस्त होते हैं ना वो कहते हैं ये मेरी है, दूसरा कहता मेरी है, तीसरा कहता मेरी है, लेकिन एक्चुअली वो किसकी होती है वो किसी को भी पता नहीं होता है। तो लास्ट में क्या होता है, वो आपस में खेल रहे होते हैं, फिर वो मान जाते हैं कि ठीक है हम खेल लेते हैं। फिर वो जब खेल रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि जब वो खेल रहे होता है तो वहाँ से एक स्कूटर वाला जो है वो गुजर रहा होता है और वो जो गेंद है वो स्कूटर वाले के पास जाके गिर जाती है और स्कूटर वाले को पता ही नहीं चलता है कि गेंद उसके पास है। फिर वो गेंद उसके साथ चली जाती है। फाइनली जैसे वो गेंद आई थी वैसे ही गेंद अचानक वो चली जाती है। तो ये लिखी है आपके शांता कुमारी जैन ने। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे एक पोइम है, कोई लाके मुझे दे दो। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी सी धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई मुझे लाके दे दो। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों का भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई मुझे लाके दे दो। एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई मुझे लाके दे दो। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई मुझे ला दो। ये दामोदर अग्रवाल ने लिखी है, एक छोटी सी पोइम है, ठीक है। अच्छा आपका नेक्स्ट लेसन आता है थर्ड के बाद फोर्थ, पापा जब बच्चे थे। एक्चुअली क्या होता है ना, एक बच्चा जो है वो अपने पापा के बारे में सुना रहा था कि जब पापा बच्चे थे तो वो क्या बनना चाहते थे, है ना। बच्चों से सब पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, तो जब उनसे पूछते थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ, क्योंकि चौकीदार तो फ्री होता है, वो जहाँ भी उसका मन करे वहाँ घूम सकता है, जा सकता है ना।
फिर उसके उसके बाद जब वो आइसक्रीम वाले को दिखता है तो वो आइसक्रीम वाला बनना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि आइसक्रीम को वो बेच भी लेगा और फ्री में खा भी लेगा, है ना। तो वो ऐसे ऐसे जिसको देखता था वो वैसा बनना चाहता। फिर जब वो एक बार स्टेशन जाता जाता तो उसने देखा कि वहाँ पे एक व्यक्ति वो शटिंग कर रहा होता है ना, जो डिब्बे का जोड़ना होता है ना, तो वो सब कर रहा होता है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे शटिंग वाले बनना है। तो फिर उसके पापा पूछ रहे थे कि तुम्हें शटिंग वाला, मतलब उसके पापा के पापा, है ना। तो फिर वो बोलता है आइसक्रीम कब बेचोगे, फिर वो बोलेगा मैं आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर शटिंग करूँगा, फिर आइसक्रीम बेचूंगा और शटिंग करूँगा, मतलब मैं एडजस्ट कर लूँगा, है ना, वो ऐसे बात करता है। फिर कुछ दिनों बाद उसे लगता है कि नहीं, मैं जो हूँ कुत्ता ही बन जाता हूँ, क्योंकि कुत्ता बनना ज़्यादा अच्छा है। फिर वो कुत्ते की तरह जो है वो हाथ पाँव से चलना शुरू कर देता है, फिर वो पैसे करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वहाँ से ना एक आर्मी वाला जो है वो गुजर रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम्हें क्या। तो बोलता है कि मुझे कुत्ता बनना है। फिर वो उसको समझाता है कि नहीं, तुम्हें जो है वो क्या बनना है ये तुम सोचो। फिर वो थोड़ा सोचता है, फिर से आता है कि नहीं, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। एक्चुअली जब भी वो बात करता था ना कि मुझे चौकीदार बनना है, मुझे ये बनना है, कुत्ता बनना है, आइसक्रीम वाला बनना, तो सब हंसते थे। लेकिन फाइनल में जब उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या बनना है ना, तो वो कहता है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये जब उसके पास उससे आंसर आता है ना, उसके पापा से आंसर आता है, तो ये सुन के सब जो है वो नहीं हंसते हैं और सब जो है वो बहुत प्राउड फील करते हैं ना। तो इसको लिखा है अलेक्सेंड्र रस्किन ने। नेक्स्ट आता है दोस्त की पोशाक। एक्चुअली क्या होता है ना, ये दो फ्रेंड की स्टोरी है, एक होता है नसरुद्दीन और एक होता है जमाल साहब। नसरुद्दीन के घर होता है, जमाल साहब जाता है, तो वो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। तो नसरुद्दीन क्या करता है, उसे मोहल्ले में घुमाने ले जाता है। तो जमाल बोलता है कि अच्छा, मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर नसरुद्दीन बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे कपड़े ले लो, फिर हम चल पड़ेंगे। फिर नसरुद्दीन उसे अपने कपड़े जो है वो दे देता है। अब जो है वो नसरुद्दीन उसको कपड़े देता था, तो जमाल है वो उस कपड़े को पहन लेता है। लेकिन जब वो उसके पड़ोस में उसके अंकल के घर जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे नसरुद्दीन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरा दोस्त है, हम बहुत साल बाद मिले हैं, और ये जो उसने कपड़े पहने हैं ये मेरे हैं। इस बात पर जो जमाल है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, उसे बुरा लगता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है ना। फिर क्या होता है कि जो नसरुद्दीन जो है वो माफ़ी मांगता है और बोलता है ठीक, आगे ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन एक्चुअली में आगे जब वो हुसैन साहब के घर जाते तब भी वो ऐसा ही बोलता है, और वो ऐसा ही बोलता है। फिर जमाल को बुरा लगता है, लेकिन अब वो क्या मतलब बोल सकता है। फिर फाइनली में वो जो है एक और पड़ोसी से मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो नहीं बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मुझे मतलब मैं यह जवाब और साहब उन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूँ, तो ठीक है, वो ऐसा बोलता है। फिर इससे हमें एक ही लेसन मिलता है ना कि हमें जो है ना किसी से नहीं लेना चाहिए, मतलब कोई चीज़ ले ली और फिर अगर वो बोल दे कि हाँ ये मेरा, तो सच में ही बहुत बुरा लगता है। तो जितना है ना उसमें ही खुश रहो। लेसन सिक्स है नाव बनाओ, नाव बनाओ। एक्चुअली इसमें नाव बनाने की स्टोरी है कि बादल जो है वो गड़गड़ा रहे होते हैं, मतलब बारिश छमछम करती, बारिश आनी होती है, तो वो जो है वो गुल्लक में जो पैसे होते हैं उसे तोड़ते हैं, और वो अपने भाई को बोलते हैं कि भैया जल्दी करो, गुल्लक तोड़ो, उसमें जो पैसे हैं उसको निकालो, उससे जो है वो रंग बिरंगी जो आपकी कागज़ है चमकीली नीली पीली उसको खरीदो, और बहुत अच्छे अच्छे कलर वाली हम जो है वो क्या बनाएंगे, बोट बनाएंगे, उसे पानी में बहाएंगे। तो यही उसमें जो है वो बात करी हुई है, और इसे लिखा है हरी कृष्ण दास गुप्त ने। नेक्स्ट सेवन लेसन आ जाता है दान का हिसाब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। इसमें क्या होता है ना, एक राजा होता है जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। एक्चुअली वो सारे जो पैसे हैं ना वो अपने खाने पाने में और अच्छे कपड़े पहनने में लगा देता है। तो एक बार क्या होता है ना, उसके साम्राज्य में जो है वो अकाल पड़ जाता है, साम्राज्य में अकाल पड़ जाता है, तो गाँव वाले उससे मांगने आते हैं कि हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, हम एक वक्त का खाना खा के जो है वो अपना गुजारा कर लेंगे, क्योंकि लोग वहाँ पर मर रहे थे। लेकिन राजा तो इतना कंजूस होता है कि वो कुछ देता ही नहीं है, और उन्हें वहाँ से डांट फटकार के भगा देता है। तो क्या होता है ना, एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे एक सन्यासी जा रहा होता है। सन्यासी राजा को बोलता है कि ओ महान, तुम तो करण दानी करण हो, और मुझे जो है वो तुमसे वो चाहिए, मतलब क्या दोगे तुम। तो वो बोलते हैं कि सन्यासी, वो बहुत खुश हो जाता है राजा, और बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो सन्यासी बोलता है मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम मुझे दिन के 1 रुपये दे दिया करो, और मैं ऐसे भी मांगता हूँ कि आज से एक डबल, मतलब उसका फिर दुगना दुगना होता जाएगा, तो तुम 20 दिन तक मुझे वैसे ही पैसे देते रहना। तो राजा जो है वो मान जाता है, और राजा उसको उस टाइम पे 1 रुपया दे देता है। लेकिन वो दूसरे दिन 2 से 4 ऐसे हो जाता है ना। तो कुछ दिनों बाद जो है वहाँ के जो मतलब मंत्री होते हैं, जो पैसों का हिसाब किताब देखते हैं, वो देखते हैं कि 20 दिनों में तो इतने पैसे चले जाएंगे, और ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। तो वो राजा को बताते हैं कि राजा साहब ऐसा है। तो राजा जो है वो
उसको बोलता है कि क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि राजा साहब, आपने जो दान देने का आदेश दिया है उसमें तो बहुत पैसे जा रहे हैं, तो इससे तो हमारा जो भंडार है वो खाली हो जाएगा, और फिर हम कैसे करेंगे। तो राजा इससे बहुत परेशान होता है और वो उसको जो सन्यासी है उसको बुलाता है। फिर उस सन्यासी को बुलाता है, वो कहता है कि सन्यासी जी, मतलब मैं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ उससे तो मेरा भंडार खाली हो जाएगा, आप कुछ और तरकीब बताओ। तो फिर सन्यासी बोलता है कि ठीक है, मुझे इतने पैसे तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो ना लाखों में हिसाब हो गया होता है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो नीचे कुल कितना इतना पैसा हो गया था। तो वो बोलता है कि ठीक है, मुझे इतने पैसे तो नहीं चाहिए, तो मुझे 50,000 दे दो और मैं मतलब वो गांव वालों को दे दूंगा। तो वो बोलता है कि नहीं, गांव वालों ने तो सिर्फ 10,000 मांगा था और तुम मुझसे 50 मांग रहे। तो पर सन्यासी अड़ जाता है कि नहीं, मुझे तो 50,000 ही चाहिए। फाइनल में राजा को हार के उसको 50,000 देने पड़ते हैं और वो 50,000 लेता है और गांव वालों को दे देता है, लेकिन वो गांव वालों को सन्यासी डायरेक्ट नहीं देता है। तो गांव वालों को लगता है कि ये पैसे जो है वो राजा ने दिए हैं और राजा तो महान है। फिर वो गांव वाले बोलते हैं कि हमारे राजा करण जैसे जो है वो दानी है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो फंस गया होता है बेचारा, है ना। तो उसको लिखा है सुकुमार राय ने। अच्छा, लेसन 8 में एक पॉइम है कि कौन, मतलब जो बटन हमारे कुतरता है, स्याही को बिखराता है, चटपट चटपट घर में इधर उधर दुबक रहता है, चीज़ों को तोड़ देता है, फाड़ देता है ना, कुतर देता है, वो कौन है। जो पोथी होती है, पोथी किसको बोलते हैं, किताब को ना, तो वैसे वैसे करके वो उसको भी काट देता है, कुतर देता है। तो ये कौन करता है, चीज़ों को जो रखा होता है ना, चीज़ों को कौन कुतरता है, कौन रात को जो है वो गड़बड़ गड़बड़ करता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, वो कौन है। तो आप भी आंसर बताएंगे कि वो कौन है, ठीक है। तो इसके जो राइटर है वो है सोहन लाल द्विवेदी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की ओर। ये जो कहानी है ये महात्मा गांधी की कहानी है, जब वो गुजरात अहमदाबाद में रहते थे साबरमती आश्रम में। तो वहाँ पे जो था वो एक लड़का रहता था जिसका नाम था धन्नी, और उसकी बकरी भी थी एक साथ में जिसका नाम था बन्नी। वो दोनों फ्रेंड थे, मतलब धन्नी, और धन्नी जो था ना वो बन्नी के साथ बातें करता था, मतलब ऐसा था। और उसके जो पेरेंट्स या जो भी उसके मम्मी पापा या आकर थे, वो महात्मा गांधी के जो आश्रम थे ना वहाँ पे काम करते थे। तो एक बार बन्नी जो है वो सोच रहा होता है, बन्नी नहीं सॉरी धन्नी सोच रहा होता है कि महात्मा गांधी के पास इतने लोग आते हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं आपते हैं आफ्टर ऑल। तो वो ऐसे करके थोड़ा वो होता है, तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है कि इतने लोग आते हैं, महात्मा गांधी से कुछ प्लान कर रहे हैं क्या। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ वो कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कैसी यात्रा, लेकिन माँ वहाँ से उसके फटकार के भगा देती है। फिर वो जो है वो जो खेतों में काम कर रहे होते हैं ना उनके पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि जो उनका नाम होता है बिंदा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहे हैं। तो फिर वो उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने जो है वो नमक पे जो है वो टैक्स लगाया हुआ है, इसलिए महात्मा गांधी जो है वो नमक कानून तोड़ने जा रहे हैं, और वो काफ़ी लंबी यात्रा है और पैदल यात्रा है। फिर वो अपने पापा के पास जाता है, तो वो कहते हैं कि पापा आप जा रहे हो। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी ने मुझे कहा है कि तुम मेरे साथ चलना। तो फिर वो जो बच्चा होता है वो बोलता है मुझे भी जाना है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, वहाँ पे तो वही जा सकता है जो मतलब जिसको महात्मा गांधी ने कहा है। फिर जो धनी है वो क्या करता है कि महात्मा गांधी के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे भी जाना है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाता, एक्चुअली वो मॉर्निंग में उनको फॉलो कर रहा होता है ना। तो महात्मा गांधी उसको देख के बुला देते हैं और पूछते हैं कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे आपके साथ दांडी यात्रा के लिए जाना है, लेकिन महात्मा गांधी बोलते हैं वो तो बहुत दूर है, तुम कैसे जा सकते हो, तुम तो अभी छोटे हो। लेकिन जो धनी है वो बोलता है कि नहीं मैं चल पड़ूंगा, आप भी बूढ़े हो लेकिन आप भी चलोगे। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि अच्छा मैं जाऊँगा तो मैं पैदल चल के तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, तो मेरे लिए दूध चाहिए, अच्छा फल चाहिए, घर की कोई देखभाल भी करे। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम चले गए तो बन्नी का ख्याल कौन रखेगा, बन्नी तो तुम्हारे हाथ से खाती है। फिर बोलते हैं हाँ बन्नी तो सिर्फ मेरे हाथ से खाती है। तो फिर वो बोलते हैं अगर तुम चले गए तो बन्नी कमज़ोर हो जाएगी और मेरे लिए दूध कहाँ से आएगा। तो फिर वो जो है महात्मा गांधी से बड़े प्यार से समझाते हैं और बन्नी जो है वो समझ आता है और कहता है कि सॉरी धन्नी जो है वो समझ आता है और कहता है कि ठीक है आप जाओ, मैं आपके लिए दूध और जो भी चीज़ें हैं वो रखूँगा, आके हम जो है वो उसको खाएंगे, ठीक है। ये स्टोरी है। लेसन 10 है थप थप रोटी थप दाल। एक्चुअली एक प्ले है, एक स्टेज पे प्ले हो रहा होता है, वहाँ पे बच्चे जो है वो घर घर खेल रहे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी आफ्टर ऑल बचपन में खेला हुआ है, जिसने खेला है वो कमेंट करना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये रोटी के लिए ऐसे ही प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा फलाने अपने घर से ये लिया, कोई तेल लिया, कोई आटा लिया, कोई ये लिया, वो ऐसे ऐसा खेल रहे होते हैं। और फिर वो लाते हैं और उस खाने को बनाते हैं और एक दूसरे को परोसते हैं, फिर सो जाते हैं। तब क्या होता है, जब वो लोग सोए होते हैं तब एक वहाँ पर एक लड़की जो है वो कैट का प्ले कर रही होती है, मतलब बिल्ली बनी होती है। तो वो बिल्ली आती है चुप चुप के और वहाँ पर जो खाना रखा होता है उसको देखती है, खाती है, और जैसे ही वो खाने लगती है तो उसे जो है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो देख लेते हैं।
वो जो है वो उसको फिर क्या करते हैं, उठ जाते हैं, म्याओ म्याओ की आवाज़ करती है तो उसे वो उठ जाते हैं, और वो उठते हैं और उसके जो है वो भगा देते हैं। तो ये ही इसकी स्टोरी थी, और इसको लिखा है रेखा जैन ने। मतलब नॉर्मल सी स्टोरी जो बचपन में सब खेलते हैं, घर घर, है ना, वही स्टोरी है। अच्छा, लेसन 11 है पड़कू की सूझ। पड़कू एक व्यक्ति थे जो अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो जो है थोड़े तर्कशील होते हैं, मतलब तर्क वाली चीज़ें सोच रहे होते हैं। एक बार क्या होता है ना, वो जो वो नहीं होता है जिसमें कि वो कोहलू होता है, जैसे बैल घुमाता है, तो वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखता है कि कोहलू जो है वो कैसे चल रहा होता है, क्योंकि मालिक तो है नहीं और बैल से मतलब वो चल रहा होता है। फिर वो उस मालिक से पूछता है कि तुम अगर ये बैल रुक जाए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कोहलू कैसे चलेगा। तो फिर वो मालिक को बोलता है कि मैंने मालिक उसको बोलता है कि मैंने इसके गले में घंटी बांधी है तो मुझे घंटी से पता चल जाता है। लेकिन जो तर्कशास्त्री होता है वो उससे, जो मतलब पड़कू होता है, वो कुछ और सवाल करने लगता है। तो फिर वो मालिक बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मतलब अपना ज्ञान जो है वो अपने पास ही रखो, यहाँ पे ना फैलाओ, क्योंकि ये जो है वो एक बैल है और ये नहीं पढ़ता है इतना, है ना, तो इसको इतना नहीं पता है कि क्या करना है। ये जो इस काम को काम देता है ना, देते हैं, वो करता रहता है, चुपचाप घूमता रहता है। इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट है सुनीता की पहिया कुर्सी, जो आपका लेसन 12 है। इसमें क्या है ना, सुनीता नाम की एक लड़की होती है जो बेचारी अपाहिज होती है, मतलब उसे चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो व्हील चेयर में चलती है। तो एक मॉर्निंग ना उसको शॉपिंग के लिए अकेले जाना होता है। वो एक्चुअली अपने सारे काम खुद कर लेती है, लेकिन उसको क्या होता है ना कि उसकी मम्मी भी उसका थोड़ा हेल्प कर देती है। तो वो बच्ची जो है वो अपने आप को किसी और से कम नहीं मानती है, क्योंकि वो सारे काम खुद कर लेती थी, है ना, वो उठना उसका। लेकिन वो आज शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब क्या होता है, वो घर से निकलती है तो उसे जो है वो एक लड़की मिलती है, तो वो उसको देख के मुस्कुराती है। मतलब वहाँ पे लड़के बच्चे जो थे ना उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। तो रास्ते में क्या देखती है कि एक छोटू सा लड़का होता है, मतलब जिसकी हाइट छोटी होती है ना, तो लड़के उसको चिढ़ा रहे होते हैं, तो वो उसको थोड़ा अजीब लगता है। अब रास्ते में उसको एक लड़की दिखती है, वो लड़की उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। तो वो जो लड़की है ना वो उससे पूछ लेती है कि मतलब ये क्या है। उसके लिए ना जो व्हीलचेयर होती है वो थोड़ी अलग लगती है, तो वो पूछ लेती है। लेकिन उसकी माँ जो है वो उसको गुस्से में, जो लड़की पूछ रही होती है ना उसको गुस्से में वो डांट देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन ये बात सुनीता को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सुनीता तो खुद को आम बच्चों की तरह ही मानती है ना। फिर वो आगे जाती है, तो जब उसे दुकान में जाना होता है तो क्या होता है ना कि वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है। अब वो कैसे जाएगी, तो अचानक वहाँ पे जो लड़का था ना जिसको सब छोटू छोटू कह के चिल्ला रहे थे, उसका नाम अमित था। तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, तो बोलती है हाँ कि मुझे जो है वो मेरा पैडल पीछे वाला जो है उसे थोड़ा मतलब आगे कर दो। वो उसे चढ़ा देता है और दुकान ले जाता है, तो वहाँ पे वो चीनी खरीदती है। जब वो चीनी खरीदती है तो दुकानदार क्या करता है ना, उसकी गोद में वो चीनी का थैला रख देता है। तो वो बात भी सुनीता को बुरी लगती है कि मैं तो आम बच्ची हूँ, उसने मुझे हाथ में क्यों नहीं पकड़ाया। तो फिर सुनीता जो है वो उसको बोलती है, किसको बोलती है, जो उसका नाम अमित होता है, जो छोटा लड़का है, कि मतलब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो उसको वो चीज़ें अलग लगती है। फिर उसको अमित समझाता है कि हम अलग हैं, तो सुनीता बोलती है कि नहीं हम अलग नहीं हैं, हम बाकी बच्चों की तरह ही हैं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं हम अलग हैं, जैसे कि तुम इस पर चलती हो तो तुम अलग हो, और मैं जो हूँ हाइट से छोटा हूँ तो मैं अलग हूँ। तो पहले तो वो नहीं मानती है, लेकिन फाइनली वो बाद में मान लेती है कि ठीक है हम अलग हैं। फिर वो जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं, एक जब उन्हें वो रोड क्रॉस करना होता है, तो अमित उसको रोड क्रॉस करवाता है, और साथ में जो वो लड़की थी वो भी उनके पास आ जाती है, और वो तीनों जो है वो हंसते खेलते रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, लोगों ने देख रहे होते हैं। लेकिन अब जो है वो सुनीता को कोई परवाह नहीं होती है कि कौन क्या कर रहा है, वो अपना इंजॉय करती है। नेक्स्ट है हुदहुद, जो आपका 13 लेसन है। हुदहुद जो एक बर्ड की कहानी है, कि हुदहुद को जो कलगी है वो कैसे मिली। एक्चुअली एक बार क्या होता है ना, सुलेमान जो बादशाह होता है वो अपने उड़न खटोले पे आसमान पे उड़ रहा होता है, उसे गर्मी लग रही होती है, तो वो गिद्धों को कहता है कि प्लीज़ मेरे को ना आप छाया कर दो, तो गिद्ध जो है वो मना कर देते हैं। और फिर वहाँ पे जो है वो हुदहुद आती है, फिर वो उसको बोलता है कि मुझे जो है वो छाया कर दो। कौन बोलता है, सुलेमान बोलता है। तो हुदहुद मान जाती है और अपने सारे जो उसके मतलब जो भी उसके ग्रुप में होते हैं सारे हुदहुद को बुलाते हैं और छाया करते हैं। सुलेमान इससे बहुत खुश होता है। फिर वो तो हुदहुद से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हुदहुद बोलती है मैं सबसे पूछ लेती हूँ क्या चाहिए। तो फिर हुदहुद बोलती है कि मुझे जो है वो सोने का
मुकुट चाहिए, मतलब मुकुट अच्छा वाला है ना, तो वो वरदान दे देता है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद जो सोने का मुकुट होता है उसके कारण ना लोग उसे मार देते हैं और हुदूद ख़त्म ही होने लग पड़ते हैं। फिर वो फिर उससे बोलती है कि हमारी सोने की कलगी को हटा दो क्योंकि हमें जो है वो लोग मार रहे हैं और हमारी तो जनसंख्या कम हो रही है। फिर सुलेमान बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये तो सही नहीं है। लेकिन फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फैदर वाले जो मतलब कलगी है वो दे देता हूँ। फिर वो उसको वैसा कर देता है, मतलब देखो यहाँ पे गोल्ड की कलगी है और यहाँ पे ऐसी कलगी है। तो फिर वो जो उसको कलगी देता है ना, वो बहुत सुंदर होती है, मतलब बहुत सुंदर लगती है वो उससे, मतलब देखने में, और बहुत अच्छी होती है। तो जैसे यहाँ पे बात करिए ना कि हुदूद का सारा शरीर जो रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है। लेकिन मगर उसके सिर पे जो काले और सफ़ेद मतलब रंग की कलगी होती है ना, वो देखने में बहुत ही प्यारी लगती है ना। तो ये सब बात करी है। और जो आपकी हुदहुद होती है ना, पदुबोया भी कहा जाता है, तो इसको जो है वो हूपहू और पदुबोया, ये इसके अदर नेम है, वो याद रखना है। और इसे जो है वो कहीं कहीं साह सुलेमान भी कहा जाता है ना। तो ये इसके बारे में कुछ कहानी थी, एक मशहूर हुदहुद कि कैसे इसको कलगी मिली। क्लास का जो लास्ट लेसन है वो लेसन 14, जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, एक भिखू भाई नाम का एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, वो पैसे खर्च ही नहीं करना चाहता। उसका एक बार मन करता है कि वो नारियल ले और उसमें जो है वो शक्कर डाल के खाए, और उसे वो जब वो इमेजिन कर रहा होता है ना तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। सो ना, कुछ चीज़ें हम इमेजिन कर रहे हैं तो हमें मुँह में पानी आ जाता है, वैसे उसके मुँह में भी पानी आ जाता है। तो वो क्या करता है, अपनी बीवी को पूछता है जिसका नाम होता है लाफू बहन। तो वो बोलता है लाभू बहन को कि ठीक है, मैं जो हूँ बाज़ार जाता हूँ और कुछ खाने को ले लेता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे नारियल का मन कर रहा होता है। फिर वो बोलती है कि ठीक है जाओ। लेकिन भीखू भाई तो कंजूस होता है, वो थोड़ा सोचता है और लेकिन फिर फाइनली चला जाता है। जैसे ही वो बाज़ार पहुंचता है ना, तो वो बोलता है कि मुझे नारियल दो। तो बोलते कितने का है, बोलते दो का। तो वो बोलता है बहुत महंगा है, एक का। तो फिर वो बोलता है ठीक है आगे चले जाओ मंडी में, वहाँ पे आपको एक का मिल जाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है ओके। जब वो मंडी में जाता है ना तो वहाँ पे उसको 1 रुपए का मिल जाता है। लेकिन अब वो बोलता है कि मैं इतना पैदल चल के आया हूँ तो 1 रुपया क्यों दूँ, वो 50 रुपए से कमांगने लगता है। फिर वो बोलता है कि 50 पैसे का दे दूँ, लेकिन वो वहाँ पे जो है वो नहीं लेता, वो आगे चला जाता है। आगे जब वो बागान में पहुँचता है, सॉरी वहाँ पे जो जहाँ पे वो बिक रहा होता है सी किनारे, तो वो बोलता है कि ठीक है यहाँ पे मुझे 25 पैसे का दे दो क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो बोलता है कि 25 पैसे का यहीं नहीं मिलता, तुम बाग में चले जाओ वहाँ पे नारियल लगे होते हैं वहाँ से ले लो। फिर वो कंजूस वहाँ पे चला जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि वो भी उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो वहाँ पे भी देने से मना कर देता है। फिर वो बोलता है कि जो वहाँ बाग का मालिक होता है वो बोलता है कि ठीक है कुछ चढ़ो और ले लो। वो ऊपर चढ़ने चढ़ता है, बहुत खुश होता है कि अच्छा मैं चढ़ के ले लूँगा जितना मर्जी, मतलब खुश हो जाता है। लेकिन जैसे वो पेड़ पर चढ़ता है, वो पेड़ पर चढ़ के वहाँ पर लटक जाता है क्योंकि नारियल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो वो लटक जाता है। अब वो परेशान हो जाता है। वहाँ पे एक जो है ऊँट वाला जा रहा होता है, वो ऊँट वाले को बोलता है बचाओ बचाओ, तो ऊँट वाला उसको बचाता है। लेकिन ऊँट जो होता है वो हरी हरी घास देख के वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों लटक जाते हैं। फिर वहाँ से घोड़े वाला गुजर रहा होता है, घोड़े वाले को बोलता है कि बचाओ बचाओ। फिर वो क्या करता है कि घोड़े वाला उसकी मदद करने लगता है, लेकिन वो घोड़े की पीठ पे होता है तो घोड़ा भी घास देख के वहाँ से भाग जाता है और तीनों लटक जाते हैं। फिर जो है वो ऊँट वाला बोलता है कि जो नारियल है इसे मत छोड़ना और मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, है ना। तो वो जो है वो दूसरा भी बोलता है कि मैं तुम्हें 100 पैसे दूंगा या 100 रुपए दूंगा। तो जो भीखू है ना, ये सब ये जब उसको पता चलता है कि ओए मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, तो वो बहुत खुश होता है और वो खुशी के मारे क्या करता है, नारियल को छोड़ देता है और तीनों धड़म करके जो है वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो यही इस स्टोरी में था। और फिर वो नीचे गिर जाते हैं और जो नारियल है ना उसके ऊपर, जो भीखू भाई होता है उसके ऊपर, सिर के ऊपर गिरते हैं। फिर वो बोलता है बिल्कुल मुफ्त, मतलब मुफ्त ही गिर रहे होते हैं ना, टप टप करके सिर के ऊपर। तो उसको जो है वो लिखा है आपकी ममता पांडे ने। आई होप आपको ये जो समरीज है ये पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।